सलाम नमस्कार आदाब आप सभी को, और सबसे पहले माँ के लिए सुनाना चाहूँगा। मेरी मुट्ठी में, गौर कीजिएगा, मेरी मुट्ठी में उस दिन चांद भी आ गया था। मेरी मुट्ठी में उस दिन चांद भी आ गया था, माँ ने बचपन में पहली दफ़ा जब मुझे आसमां दिखाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मोहब्बत के लिए सुनाना चाहूँगा कि जिसकी दवा महबूब है, गौर कीजिए सरताज भाई, जुबैर भाई, जिसकी दवा महबूब है ये वो रोग लिए फिरते हैं। जिसकी दवा महबूब है ये वो रोग लिए फिरते हैं, महबूब तो अपनी आँखों में महबूब लिए फिरते हैं। खुद का ख्याल वो रखे जो होश में रहे, खुद का ख्याल वो रखे जो होश में रहे। दीवाने तो महबूब की चाहत में जान हथेली पर लिए फिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, और ये भी मैंने माँ के लिए लिखा है कि गर खुदा मुझसे पूछे, गौर कीजिएगा, गर खुदा मुझसे पूछे तुझे क्या चाहिए, गर खुदा मुझसे पूछे तुझे क्या चाहिए, मैं खुदा से कहूँगा जिसके कदमों में तूने जन्नत को बिछाया है, जिसके कदमों में तूने जन्नत को बिछाया है, मुझे उस जन्नत में फिर से घर चाहिए। न दौलत चाहिए मुझको ना ही मालो जर चाहिए, न दौलत चाहिए मुझको ना ही मालो जर चाहिए, ऐ खुदा मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ चाहिए। और ये लिखा था कि एक खलिश है कि जाती नहीं, एक खलिश है कि जाती नहीं, अब तो मौत भी मुझको आती नहीं। एक खलिश है कि जाती नहीं, अब तो मौत भी मुझको आती नहीं। तुम हो कि लंबी उम्र की दुआ देते हो मुझको, तुम हो कि लंबी उम्र की दुआ देते हो मुझको, ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ जिसकी दवा भी आती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ अलग हटके सुनाना चाहूँगा कि गौर कीजिएगा, जान जान कह के जान की जान लोगे क्या, गौर कीजिएगा, जान जान कह के जान की जान लोगे क्या, और जान की जान कौन है ये भी जान लोगे क्या, जान की जान कौन है ये भी जान लोगे क्या। जान तो जान के लिए जान भी दे सकता है, जान तो जान के लिए जान भी दे सकता है, क्या तुम भी अपनी जान के लिए जान दोगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। नसीब तो देखो पुतलों का, जान नहीं फिर भी बदन पर लिबास है, एक तरफ गरीब और इनका नसीब, न खाने को रोटी न रहने को घर, न ही बदन पर कोई अच्छा लिबास है। और ये सुनिएगा कि मसला ये है कि कोई मसला नहीं, मसला ये है कि कोई मसला नहीं, यार तेरे बाद फिर कोई अगला नहीं। मेरा महबूब सबसे अलग सबसे खास है, मेरा महबूब सबसे अलग सबसे खास है, वो रोज मिलता है मुझसे और मेरे दिल के बहुत पास है, अब तो अम्मी भी कहती हैं कि कब मिलवाएगा उससे, अब तो अम्मी भी कहती हैं, अब तो अम्मी भी कहती हैं कि कब मिलवाएगा उससे। बड़ी सोच में पड़ा हूँ क्योंकि वो हकीकत नहीं महज एक ख्वाब है,